हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेसन विद अभिषेक सर। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने विशेस और ग्रीटिंग्स सीखा था कि यानी लोगों से मिलेंगे तो सबसे पहले कैसे उन्हें विश करेंगे और कैसे कौन सी ग्रीटिंग्स का यूज हम करेंगे। अब हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि उन ग्रीटिंग्स के रेस्पॉन्सेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यदि किसी ने हमसे पूछा हाउ यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज एवरीथिंग, या फिर किसी ने पूछा व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप कैसे कैसे जवाब दे सकते हैं। एक कॉमन रिस्पॉन्स आपको पहले से आता है, आई एम फाइन। आपको इसे शॉर्ट में कहना भी आता है, फाइन। ये बड़ा ही कॉमन है, आई एम फाइन, फाइन। लेकिन लोग अक्सर ऐसा नहीं बोलते जब हम नेटिव स्पीकर्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इंग्लिश को नेचुरल तरीके से सीखा है, जिन्होंने बाय बर्थ इसको सीखा है, राइट। दोस्तों, वो लोग ज्यादातर समय आई एम फाइन नहीं कहते, तो फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आई एम वेरी वेल, आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सो सो, यानी मैं ठीक ठाक हूं, बहुत अच्छा नहीं हूं, राइट। आई एम सो सो, सो आई एम वेरी वेल, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सो सो। लेकिन आजकल बोलचाल की भाषा में एक बड़ा ही कूल तरीका है, आई एम कूल। यदि आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, बढ़िया मूड में हैं, आई एम कूल। आप ये भी कह सकते हैं आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल ओके, आई एम ओके। आप कह सकते हैं नो कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट नहीं है, आई एम गुड, आई एम ऑल गुड, आई एम इन ए वेरी गुड मूड। आप चाहे जैसे मर्जी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार आप हिंदी में ऐसा भी कहना चाहते हैं, बस वैसे ही हैं जैसे हमेशा होते हैं, तो आप कहेंगे सेम एज ऑलवेज, सेम एज ऑलवेज, या फिर आप कहेंगे आई एम एज यूजुअल, आई एम एज यूजुअल, बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा आमतौर पे होता हूं, यानी सेम एज ऑलवेज या फिर आई एम एज यूजुअल। तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने आप को अच्छा बताने के। अब ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप किससे मिल रहे हैं और उस समय पर आप कैसा फील कर रहे हैं। जनरली लोग कहकर खत्म कर देते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन कहकर लोग बातचीत को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप किसी से बोलचाल की भाषा की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, पंजाबी की बात करते हैं, या फिर आप उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आपने अक्सर लोगों को पूछते हुए सुना होगा कि मैं तो अच्छा हूं और आप कैसे हैं। दोस्तों, नेटिव स्पीकर्स भी इसी तरह से बात करते हैं और वो अक्सर जब रिस्पॉन्स देते हैं आई एम फाइन कहते हैं, तो उसके बाद पलट कर पूछते हैं कैसे, आई एम फाइन एंड यू। सोचिए, अब यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे पूछूं हे हाउ आर यू डूइंग, तो आप खाली ये कहेंगे आई एम फाइन? आपको जरूरत है कि आप मेरे बारे में भी पूछ लें। जनरली आप हिंदी में ऐसा करते ही हैं, कोई आपसे पूछे कि भाई आपके हालचाल कैसे हैं, तो आप उससे कहते हैं मैं तो अच्छा हूं और आप सुनाओ। फिर इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, बस लोग आमतौर पर इसे जानते नहीं है। आई एम फाइन कहकर आप बातचीत खत्म कर सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले व्यक्ति से बात करने में, या फिर आप जल्दी में हैं, या आपको कोई और काम है, तो आप आई एम फाइन कहकर खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि उससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा है और वो मेरे काफी क्लोज है, तो आप इसे पलट के भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं हाउ यू डूइंग, तो आप कहेंगे आई एम वेरी वेल एंड यू सर, आप कैसे हैं? तो मैं भी कह दूंगा आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ऑल ओके, आई एम ऑल राइट। या फिर अब जब एडवांस लैंग्वेज की बात आ जाती है तो लोग कहते हैं आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू। अब इसे हम बिल्कुल देसी तरीके से नहीं बोलेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, नो एंड व्हाट अबाउट यू, राइट। जब आप अंग्रेजों को अंग्रेजी बोलते हुए देखेंगे तो वो व्हाट अबाउट यू अलग अलग करके नहीं बोलेंगे, वो तो एक साथ बोल देते हैं और बिल्कुल हल्का सा मुंह खोल के आई एम व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम वेरी वेल, आई एम व्हाट अबाउट यू। लेकिन आप अभी इसे शुरू कर सकते हैं एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाउ आर यू डूइंग, दैट्स राइट, आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक। सो दोस्तों, मुझे लगता है ये सारे विशेस करने के और उसके बाद
रेस्पॉन्सेस कैसे देना है आपने अच्छे से सीख लिया है। यदि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सी यू इन अनदर क्लास। थैंक यू।